All the aspirant, this is Anjip IQ, which is a platform to provide online learning especially focusing topmost jobs of India, UPSC and State PSC. Our classes are enriched with content as per the requirement of the exams and make learning more convenient for the learners and aspirants. तो ये जो कोर्स अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेली न्यूज एनालिसिस, और इस कोर्स में हम द हिंदू और पीआईबी की जो भी न्यूज़ आती है उसको हम यूपीएससी मेंस का जो पैटर्न है जीएस पेपर 1, 2 एंड 3 एंड 4 के बेसिस में कैटेगराइज करके डिफरेंट माइक्रो टॉपिक्स में डिसइंटीग्रेट करके एनालिसिस करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम इस कोर्स का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो पहले जीएस पेपर 1 है, अगर ब्रॉडली देखें जीएस पेपर 1 में तो ये 3 सब्जेक्ट्स को लेकर के बात करता है, हिस्ट्री एंड इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, दिस इज़ द वन। सेकेंड इज ज्योग्राफी इंक्लूडिंग लाइक इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंड थर्ड वन इज़ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन सोसाइटी। तो जो भी न्यूज़ अगर इन सारे टॉपिक्स में ये 3 सब्जेक्ट से लिंकअप होगी तो जीएस पेपर 1 में इनकॉर्पोरेट कर ली जाएगी। इसके नेक्स्ट में जो भी स्लाइड बनेगी जब हम एनालिसिस करेंगे तो इसका पूरा हम बताते जाएंगे। अब इसके बाद में जीएस पेपर 2 को बेसिकली हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 इज़ रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, गवर्नेंस, वीमेन एंड चाइल्ड इन सोसाइटी एंड रिलेटेड इश्यूज़, और सोसाइटी के ओवरऑल जो इश्यूज़ होंगे उनको भी एक अलग करके हम डिस्कस करेंगे, जैसे हेल्थ, हाइजीन, एजुकेशन, पॉवर्टी, हंगर, या डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, वेलफेयर स्कीम्स कौन कौन सी हैं, वो स्टेट की हों या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उनको भी डिस्कस किया जाएगा। अब जीएस पेपर 2 का जो सेकेंड पार्ट है जो बेसिकली आईआर इंटरनेशनल न्यूज़ जिसमें हम डिस्कस करते हैं, उसमें 3 टॉपिक हैं या 3 ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं इनको, इंटरनेशनल रिलेशनशिप विद कंट्रीज, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल एग्रीमेंट्स एंड ग्रुपिंग्स एंड इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इन्हीं 3 पॉइंट्स को लेकर के ही हमारी पूरी इंटरनेशनल की न्यूज़, और जब हम डिस्कस करेंगे तो धीरे धीरे आपके एक तरह से इंफॉर्मेशन या कंटेंट डेवलप होना स्टार्ट होगा। लेटर ऑन जो आईआर की जो एक नॉलेज है वो आपको अपने आप ही मिलने लगेगी। इसके बाद हम चलते हैं जीएस पेपर 3 जिसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। पहला है इंडियन इकॉनमी एंड द इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड न्यू डेवलपमेंट। बेसिकली ये बात करता है हमारे बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, उसमें कौन कौन से प्रोविजंस हैं, कौन कौन से अभी स्कीम्स ली जा रही हैं, या अभी कौन कौन से ऐसे स्टेप लिए जा रहे हैं हमारे करेंसी को लेकर के, या फिर अगर कोई भी इकोनॉमिक लेवल में फ्रॉड हो रहा है उनको ध्यान में रखते हुए। फिर है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवेज एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, और क्या गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रही, कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट में रुकावटें आ रही हैं, कौन से प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, इन सारी चीज़ों के एनालिसिस होगी। देन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये मिक्स कर सकते हैं इसको, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड टू अर्थक्विक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड साइक्लोन, और इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का जो एक पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है और क्या अभी स्टेप लिए जा रहे हैं और किस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कंप्लीट कर पाएंगे। इसके साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी जीएस पेपर 3 में आती है उसको हम एनालिसिस करेंगे कैटेगराइज वाइज, वो चाहे बायोलॉजी से हो, जूलॉजी से हो, केमिस्ट्री से होगी, या फिर हमारे स्पेस साइंस से लेकर के होगी। तो इस तरह से कैटेगराइज करके हम एनालिसिस करेंगे। देन हमारी बात होती है डिफेंस सिक्योरिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल, जो भी सिक्योरिटी के रीजन्स, जो भी सिक्योरिटी के एक तरह से एंटी स्टेट एक्टर्स होते हैं, या फिर साइबर एंड डिजिटल सिक्योरिटी को लेकर के क्या नए प्रोविजन से, क्या नया ड्राफ्ट या बिल लेके आ रही है गवर्नमेंट, उस पर बात करेंगे। एक्सट्रीमिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम्स होती है, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, टेररिज्म हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो गए, तो वो सारी चीज़ें हम जीएस पेपर 3 में डिस्कस करेंगे। और जो भी न्यूज़ आएगी हमारे एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड को लेकर के, वो हम जीएस पेपर 4 में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीएस पेपर 1 में जिसमें हम हिस्ट्री एंड इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ज्योग्राफी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन सोसाइटी की बात की जाती है। तो आज 9 जनवरी 2019 को जो एक न्यूज़ आई है जो हमारे इंडियन कल्चर से रिलेटेड है, नेशनल कल्चर फंड। तो नेशनल कल्चर फंड बेसिकली 1996 में
ये लाया गया था एज अ ट्रस्ट, और इसका बेसिकली काम क्या था, टू इस्टैब्लिश एज अ फंडिंग मैकेनिज्म डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सोर्स एंड पैटर्न ऑफ फंडिंग फॉर द आर्ट एंड कल्चर इन इंडिया। अगर इंडिया किसी और रूट से अभी तक जो खर्चा कर रही थी, जो भी एक तरह से एक्सपेंड कर रही थी टू सस्टेन एंड टू मेंटेन अवर आर्ट एंड कल्चर एंड टू प्रिजर्व दोज थिंग्स, तो अब क्या है, नेशनल कल्चर फंड के थ्रू ये एक नया फंड बनाया गया है जिसे बोल सकते हैं राष्ट्रीय संस्कृति निधि। इसके तहत हम क्या है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं डायरेक्टली, दे कैन कंट्रीब्यूट इन प्रिजर्विंग दी आर्ट एंड कल्चर वेदर दे आर इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स। तो ऑल कंट्रीब्यूशन जो भी हम नेशनल कल्चर फंड में करते हैं उसमें क्या है 100% टैक्स एग्जम्पशन दिया गया अंडर सेक्शन 80G सब सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे नेशनल कल्चर फंड के, तो क्यों बनाया गया इसको, तो बेसिकली इसका एक ऑब्जेक्टिव है टू इस्टैब्लिश एंड नर्चर पार्टनरशिप इन द फील्ड ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड फाउंडेशंस। इसमें क्या है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल को भी इन्वॉल्व किया गया है, तो इससे क्या है, एक सेंस ऑफ एक डेवलप होगा हमारे कल्चर और संस्कृति के प्रति लोगों का, कि हमें अपनी संस्कृति को प्रिजर्व करना है, ठीक है, एंड लाइक मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर द रिस्टोरेशन कंजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज रिच नेचुरल टेंजिबल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज। और अभी तक क्या है, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 100 ऐसे मॉन्यूमेंट या इंटेंजिबल टेंजिबल एसेट बताए हैं जहाँ पर आप नेशनल कल्चर फंड के तहत उसमें आप पैसे लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसके अलावा इसमें क्या है कि और नेशनल कल्चर फंड किस चीज़ में यूज होता है, टू एडमिनिस्टर एंड अप्लाई द फंड फॉर कंजर्वेशन मेंटेनेंस प्रमोशन प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टेड और अदरवाइज। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी होती है कार्डर की फॉर स्पेशलिस्ट इन कल्चरल एंड कल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एंड फॉर इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंट इन आर्ट्स के लिए भी ये फंड यूटिलाइज होता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लाइक कल्चरल एक्सप्रेशन एंड फॉर्म्स दैट हैव लॉस्ट देयर रिलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी सिनेरियो और आइदर फेडिंग आउट इन द फेसिंग एक्सटिंक्शन। तो जो अभी हमारे आर्ट या एक्सप्रेशन हैं या फॉर्म्स हैं जो अभी लॉस्ट हो चुके हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए ये फंड इस्तेमाल होगा। अब इसके अलावा ये बेसिकली ये फंड हेल्प करता है इन प्रोटेक्टिंग प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग इंडियाज कल्चर बाय मोबिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज दैट वी हैव अंडरस्टूड बाय रीडिंग दिस टॉपिक। तो अब इसमें क्या, PSUs भी आते हैं, बैंक्स आते हैं, कॉरपोरेट हो गई, कंपनीज हो गई, तो इनके लिए एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक फ़ंड होता है जिसमें कि वो 2% तक अपने प्रॉफिट का इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दैट फंड विल बी यूज्ड इन नेशनल कल्चर फंड और उसको यूटिलाइज करके हम अपने जो हेरिटेज है वो वेदर दे आर टेंजिबल और इंटेंजिबल उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल में देखें तो हमारा आर्टिकल 49 जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जिन्हें हम नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं उसमें मॉन्यूमेंट्स को बचाने की बात कही गई है जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट प्लेसेज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब ये किसके, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है या स्टेट गवर्नमेंट का काम है, तो बेसिकली इनकी जो जो हमारे स्केड्यूल 7 बना है उसमें यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 67 जिसमें बात कही गई है एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन डिक्लेयर्ड बाई और अंडर लॉ मेड बाई पार्लियामेंट टू बी इन नेशनल इंपॉर्टेंस। तो यूनियन लिस्ट में है तो मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें लॉज बना सकती है टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द मॉन्यूमेंट प्लेसेड ऑब्जेक्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस। इसी तरह से स्टेट लिस्ट है हमारा एंट्री नंबर 12 जिसमें लाइब्रेरीज म्यूजियम एंड अदर सिमिलर इंस्टीट्यूशन जहाँ पर हम जो भी आर्ट्स या हमारे जो भी मॉन्यूमेंट्स के हो गए या आर्ट फॉर्म हो गए जिनको हम प्रिजर्व करते हैं तो उन सिमिलर इंस्टीट्यूशन को मैनेज करता है स्टेट एंड कंट्रोल और फाइनेंस बाय द स्टेट एंड एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स अदर देन दोज डिक्लेयर्ड बाय और अंडर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो इसमें भी स्टेट लिस्ट का भी स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है टू प्रिजर्व दीज मॉन्यूमेंट्स अपने जो भी म्यूजियम लाइब्रेरीज़ में हो गए या हेरिटेज हो गया इसके लिए। अब ये न्यूज़ को अगर हम एनालाइज करें तो ये न्यूज़ क्यों ली गई है, तो अगर देखा जाए GS पेपर 1 में हमारे इंडियन कल्चर
covers the salient feature of literature, art forms and architecture from ancient to modern times. जिसमें हम कल्चर की बात करते हैं, इंडियन कल्चर की, तो इस वजह से जीएस पेपर वन से भी लिंकअप होती है, और जीएस पेपर टू का जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर एंड इश्यूज अराइजिंग ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन. अब इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन बेसिकली ये सेक्टर फोकस करता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को. अब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में अगर ये फंड इन्वेस्ट होगा, तो अगर हम पीछे फिर से जाएं एक बार, तो ये जब प्रिजर्व करेंगे, मेंटेन करेंगे और ये प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे, रिस्टोर करेंगे, तो क्या इससे टूरिज्म बढ़ेगा? टूरिज्म बढ़ेगा तो उसके आसपास में जो भी लोग अपनी शॉप खोलेंगे या फिर एक तरह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और इनकम जनरेशन के एक तरह से अलग से मौके मिलेंगे लोगों के लिए. तो इस तरह की न्यूज़ को हम एनालाइज करते हुए आगे चलते रहेंगे. इसके बाद जीएस पेपर टू है, जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली अगर देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नेंस, स्टेट एंड गवर्नेंस मॉडल जो अभी गवर्नमेंट लेके आ रही है उसमें क्या गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है, उन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेंगे. वीमेन एंड चाइल्ड इन सोसाइटी, इसको एक तरह से अलग से इशू या फिर अलग से आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारे जो यूपीएससी में है वीमेन एंड चाइल्ड को फोकस करके बहुत सारी अलग से स्कीम आती हैं. ओवरऑल जो सोसाइटी को लेकर के भी स्कीम आती हैं उनको हम अलग से कैटेगराइज या माइक्रो टॉपिक्स में कैटेगराइज करके हम नोट कर सकते हैं, उनको रख सकते हैं फॉर फर्दर एक तरह से रिवीजन के लिए. अब जैसे हेल्थ, हाइजीन, एजुकेशन, पॉवर्टी, हंगर के ये इश्यूज़ वीमेन एंड चाइल्ड के भी होते हैं, लेकिन ये इश्यूज़ एज ए होल सोसाइटी के भी हो सकते हैं, तो उनको अलग करके रख सकते हैं. एंड डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ एनजीओ एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप, अगर इससे रिलेटेड न्यूज़ आएगी तो वो इनकॉर्पोरेट होगी. रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, तो अभी जैसे सीबीआई का केस चल रहा है तो उस केस को भी हम आज या कल में एनालाइज करेंगे. वेलफेयर स्कीम्स हो गई स्टेट की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो भी स्कीम है वेलफेयर की, उनको हम इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे.